विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। एक तरफ पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता व नेता इस हार से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि वो अब इतने हताश हो चुके हैं कि वो प्रशासन पर ही अपना गुस्सा उतारने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने पहुंचे राहुल गांधी की बैठक में कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी ने महिला कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। कांग्रेसी नेता की इस बदतमीजी का जवाब भी महिला पुलिस कर्मी ने उसी अंदाज में देते हुए उल्टा थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बैठक स्थल पर हंगामा हो गया। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा करने के लिए शिमला पहुंचे थे। इस दौरान उनकी आगवानी करने व उनसे मिलने के लिए कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भीड़ को संभालने के दौरान कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने गुस्से में एक महिला कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद आशा कुमारी ने माफी भी मांग ली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी विधायक को गुस्से में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का अधिकार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।